तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लास 11th का जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये बहुत कम बच्चों के पास होता है, जो कि है ऑटोमोटिव यानी कि ऑटोमोबाइल के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है, SA-2 का है, एनुअल है और 2019-20 के यानी कि जो फरवरी के महीने में क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं उनमें से है। तो देख सकते हैं इसकी टाइमिंग है जो वो 3 घंटे है, मार्क्स वेटेज है 60, इसमें से आपका 40 मार्क्स का जो है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पेपर में प्रश्न किस तरह से आए थे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो आपके मल्टीपल चॉइस वाले वो सभी इंग्लिश में हैं। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, रमेश सेट डैश द टेबल। ठीक है, तो ये क्या है, सभी प्रश्नों में आपके यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में प्रश्न दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो इन सभी को आप रीड कीजिए इजीली और आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके जो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, उसके बाद ये आपके प्रश्न हैं, इसमें से आपको 4-5 दिए हैं, 5 में से कोई 3 करना है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो 5 में से आपको कोई 3 करने हैं, बहुत ईजी से प्रश्न हैं। हालांकि ये मेरे दोस्त का पेपर है जो कि पढ़ता है अभी 11th में ही है। ठीक है, तो आगे है हमारा सेक्शन बी है, इसमें आपके क्या है, 10 आपके जितने भी प्रश्न हैं उसमें से आपको 10 करने एक एक मार्क्स के हैं। ठीक है, और ये भी आपके मल्टीपल चॉइस के हैं, तो मल्टीपल चॉइस के ये प्रश्न हैं आपके, आप इन सभी को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकती है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी प्रश्न आपके बहुत इजी हैं, बहुत आसान हैं। जैसे कि मुझे दोस्त ने बताया कि बहुत इजी पेपर आया था, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, उसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो सभी प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और आंसर तो मैं इसका नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे भी नहीं आता है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर मेरे लिए आप सभी को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17, BDC का पूर्ण रूप क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, लेकिन आपके 10 क्वेश्चन जब वो इंग्लिश मीडियम में ही, तो आपको वो इंग्लिश में ही करने होंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हो गया, अब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। तो इसमें से आपको क्या करना है, जितने भी प्रश्न थे आपके 10 से लेके ये 23-24 जितने भी हैं, इसमें से आपको कोई 10 ही करने हैं, यानी कि 13-14 प्रश्नों में से, यानी कि ये 23 हैं, मतलब 13 प्रश्नों में से आपको कोई 10 ही करने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3-2 मार्क्स के प्रश्नों की तरफ, ये सेक्शन सी स्टार्ट हो गया हमारा, और 2 मार्क्स के प्रश्न हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 प्रश्न करने हैं जितने भी हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, तो इन सभी प्रश्नों में से आपको कोई 5 प्रश्न करने हैं। ये जो दिए हुए हैं आपके 20, यानी कि 6 क्वेश्चन है, 2, 4, 6, 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 ही करने हैं, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन की यहाँ पर छूट दी हुई है, आपको नहीं आते 2, 5 आते तो 5 कीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे 3 मार्क्स के प्रश्न। अब 3 मार्क्स के प्रश्न में आपको क्या करना है, 3 अंक के प्रश्न हैं ये सभी, और आपको 5 प्रश्न आपके हैं तो 7-8 प्रश्न है, बस आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ये है, वाहनों के उपयोग में ट्रांसमिशन सिस्टम की उपयोगिता बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 है, 33 है, इसी प्रकार से और भी सभी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं अनुभाग ए है, यानी कि सेक्शन ई है हमारा, जिसमें हमारे 5-5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, और 5 मार्क्स के हमारे 5 प्रश्न हैं, लेकिन आपको मात्र 3 ही करने हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 38 है, राइट अबाउट द क्लच मेंटेनेंस, यानी कि क्लच मेंटेनेंस के बारे में समझाइए। 39 है कि राइट अबाउट द मेजर ब्रेक एडजस्टमेंट, तो ये इसके बारे में हमको बताना है। 40 है, राइट द स्टेप्स ऑफ चेंजिंग ऑफ ऑयल फिल्टर एंड मेजरिंग ऑयल प्रेशर, तो ये सभी प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और अगले साल भी पूछे जा सकते हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम होगा आपका 2021 का, जैसे क्वेश्चन 40 है, 41, 42 हो गए। ठीक है, तो सभी प्रश्न दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ ताकि आप इजीली इन सभी को पढ़ पाएँ, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
सभी प्रश्न एक बार आपको दोबारा से दिखा दूंगा आपकी स्क्रीन पे। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही और भी प्यारे प्यारे वीडियोस मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। तो सभी प्रश्न एक बार दोबारा से देख लेंगे कैसे आए थे। एक बार तो मैंने दिखाई दिया है आपको, आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर जो बहुत मतलब जो सब्जेक्ट है वो बहुत कम बच्चों के पास है, इसलिए इस वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आने वाले मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिसके पास भी है उसको फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना इस वीडियो को, और सभी प्रश्न दोबारा से दिखा रहा हूँ, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम पे ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी प्रश्न मैं आपको दोबारा से एक बार सभी दिखा दूं, ताकि आप ये ना कहें कि सर आपने पूरे नहीं दिखाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।